बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम तवा बोटी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक पाव चिकन की बोटियां ली हैं और इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। एक लीमू, 1-1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और एक खाने का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्चें। तो ये मैरिनेशन हो रही है, सेकेंड मैरिनेशन मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले इसको मैरिनेट कर लेते हैं आधे घंटे के लिए। एक अदद लीमू का रस मैंने डाला। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, बल्कि मैंने ज़्यादा पेस्ट नहीं किया, मैंने चॉपर में चला ली थी हरी मिर्चें। आधे घंटे के बाद मैं इंशाल्लाह आकर मिलती हूँ, ठीक है? इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 30 मिनट्स के बाद हम आ गए हैं और इसके बाद हमने आधा कप दही लेना है, उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। दही के बाद इसी में 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून नमक, नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आखिर में हरा धनिया थोड़ा सा चाहिएगा, 2 खाने के चम्मच ऑयल। और ये तमाम चीज़ें हम शामिल करते हैं आपके सामने। दही को हमने फेंट लेना है। दही मैंने फेंट लिया है, चाहे तो दही में मसाले डाल के मिक्स कर दें, चाहे तो दही पहले डाल दें, एक ही बात है। इसमें सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करते हैं उसी स्पैचुला से। बस इसको इसी तरह मिक्स करने के फ़ौरन बाद हमने पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दें। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया अभी भी डाला है और इसकी खुशबू भी अच्छी तरह इसमें आ जाएगी, बाकी का हम एंड में डालेंगे। तकरीबन इसको 5-7 मिनट हम ढककर भी पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। इसको मैंने स्लो फ्लेम पर 5-6 मिनट पकाया है, अब साइड चेंज कर दें, 2-3 मिनट हम ये वाली साइड पका लेंगे, क्योंकि मसाला हो गया है ड्राई ना और ये गल भी चुकी है चिकन। कोयला मैंने गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ है, कोयला का भी हम इसको स्मोक देंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए फिर ढक के पकाते हैं, फ्लेम स्लो ही रखिएगा। चिकन तैयार हो गई है, आपने इसमें स्टेनलेस स्टील की या फिर प्याज का टुकड़ा या फिर फाइल का जो कप बना के आप रख लें, तो इसको हम कोयला रखते हैं इसके ऊपर और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके ऊपर स्मोक देंगे, ठीक है? ये देखिए स्मोक आ गया है, अब प्लेट को निकाल लेते हैं और इस पर हम डालेंगे हरा धनिया और इसी
जो हम प्लेट में नहीं निकालेंगे, हम इसी तवे पर ही ये रखा रखा हम अल्लाह हाफिज़ करेंगे और धनिया डाल दें। अच्छा, मैं ना हूँ तुम पंजाबी दसदा कि ए ज़बरदस्त एक रेसिपी तैयार हो गई है, ट्राई करके मैं दसना और मैं तुम्हें दसा कि एक पाव में पंजाबी कह रही एक पाव में ना चिकन लई सी, तो उन्होंने मैं क्यूब्स की शक्ल से जरा वड्डी वड्डी बोटी कटवा ली सी, उन्होंने मैरीनेशन दी है बहुत सिंपल, जिन्हें कहते हैं ना कि मैरीनेशन है लेमन ते नमक हरी मिर्च और इसी तरह लहसुन अदरक पा के उन्होंने मैरीनेट किया। अद्धा घंटे के बाद वो मतलब सारी चीज़ें मसाले पा के उन्होंने पकना धरता, दो खाने के चम्मच ऑयल पा के बिल्कुल, जिन्होंने कहते हैं जो हल्का ऑयल खाना पसंद करते उन्होंने वास्ते बड़ी ज़बरदस्त एक रेसिपी, मज़े की इन्नी ज़बरदस्त, और ट्राई करके मैं दसना तुम्हें रेसिपी कैसी लगी, अपनी नाम जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।